देखो, हम लोगों की बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बार बार ऐसा कहा जाता है कि जब तक ये बंदा कुछ खोएगा नहीं, जब तक इसको झटका नहीं लगेगा, तब तक ये रिकवर नहीं करेगा। हमें रिपीटेडली ये समझाने की कोशिश की जाती है कि बहुत हो गया, अब तो बदल जाओ। यहाँ भेजने से पहले हमें बहुत बार हमारे घर वाले ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये तो बहुत सीमा हो गई, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ये करना सही नहीं है, ऐसे मत करो। नाउ ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है हिटिंग द रॉक बॉटम, एंड ये अल्कोहलिक एनोनिमस में प्रीडोमिनेंटली बहुत यूज करते हैं। टिपिकली वो ऐसा बोलते हैं कि ये फटी का सौदा है। क्या बोलते हैं? फटी का सौदा। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जब तक तुम्हें ये रियलाइज नहीं होगा कि रिकवरी तुम्हारे लिए कितनी सिग्निफिकेंट है, जब तक तुम उसको वैल्यू नहीं करोगे और तुम्हें ये रियलाइज नहीं होगा कि अगर तुम रिकवर नहीं हुए तो तुम्हारी लाइफ रिस्क पे है या बहुत मेजर डिजास्टर होने वाला है, तब तक तुम सही मायने में रिकवरी में नहीं जाओ। सो इन अनदर वर्ड, वी वैल्यू ओनली वंस वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग। इफ वी डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, वी डोंट वैल्यू एनी किसी भी चीज को। जैसे हमें अगर खाना ना मिले एक हफ्ते तक तो हमारे लिए खाना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बट अगर खाना मिल रहा है तो खाना तो हमारे लिए फॉर ग्रांटेड है। अगर हमें 2 दिन के लिए पानी ना मिले तो शायद हमारे लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से लाइफ में कहीं ना कहीं नशा करने से हमारे बहुत सारे नुकसान हो रहे होते हैं। वी कीप लूजिंग लॉट ऑफ थिंग, लाइक वी लूज आवर हेल्थ, वी लूज आवर मेंटल बैलेंस, वी लूज फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, बहुत सारे ऐसे कर करके हम लोग अपनी लाइफ में लॉस करते रहते हैं। सो टिपिकली दे से अनलेस अंटिल यू हिट द रॉक बॉटम यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट यू हैव एक्चुअली लॉस समथिंग सिग्निफिकेंट। Now if we see, this is our bottle of disease. And hitting the rock bottom means we have hit till here. So if you have finished your disease till the bottom, you will not get any more substance out of it. So अगर आप बिल्कुल ही बॉटम तक हिट करो तो आपको फिर तो कोई नशा मिलने के चांस है नहीं उस बॉटल के। नाउ दैट्स व्हाट दे मीन इन दिस डिजीज, दैट वी हिट द अनलेस अंटिल वी हिट द रॉक बॉटम देयर इज नो टर्निंग अराउंड। जब तक हमें वो झटका नहीं लगेगा, जब तक अंत नहीं होएगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि बॉस अगर मैंने ये गड़बड़ किया तो मेरी लाइफ में खत्म हो जाएगा, दैट पेन, दैट फियर, दैट एंजाइटी, जब तक हमारे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। नाउ दिस इज व्हाट इज द हिटिंग द रॉन्ग बॉटम। नाउ बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है इससे कॉन्टेक्स्ट। देखो सबसे पहली बात तो ये कि ये एब्सोल्यूट कैटास्ट्रॉफी जैसी चीज कि कुछ ऐसा एंड हो गया कि आपको मतलब लगा कि अब तो यार कुछ कोई जना मेरी बात को सुनने को तैयार भी नहीं है। सो दिस इज काइंड ऑफ द एंड ऑफ द स्टोरी, और समवेयर वी लूजेस द मेजॉरिटी। जैसे लेट से किसी का अल्कोहल पी के एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई मेजर इंजरी हो गई, वो वेंटिलेटर पे चला गया, या कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया कि कुछ बहुत ही बड़ा हो गया। सिद्धांत जाओ छोड़ के आओ, क्या हो गया? बहुत ही बड़ा हो गया उनकी लाइफ में,
एंड सडनली वी आर रियलाइजिंग कि बॉस ये तो बहुत ही टू मच हो गया। क्या हम कह रहे हैं पीएसओ फॉर एग्जाम्पल वो बीएमडब्ल्यू केस हुआ और दिस गाय इज ए ब्रिलियंट गाय वेरी इंफ्लुएंशियल क्लैरिटीज होटल ओन करता है मगर वो एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही हो गया था एंड ही हैड टू गो इन प्रिजन फॉर 5 years। नाउ दैट्स हाउ द लाइफ इज। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें इतना बड़ा झटका लगता है कि हम रियलाइज करते हैं कि बहुत ये तो टू मच है। आपकी डिजीज जो है ना वो ये आपको बार बार दिलाती रहती है कि नहीं नहीं इट्स नॉट टू मच यू कैन स्टिल एंजॉय। यू कैन एंजॉय यू कैन एंजॉय। अभी क्या हुआ है और अब हम ज्यादा नहीं करेंगे थोड़ा सा ही करेंगे। वी विल डू ओनली वन। सो कहीं ना कहीं हमारी डिजीज हमें बार बार कहती है कि नहीं नहीं टू मच नहीं हुआ अभी तो टू लेस है। अभी क्या है अभी तो यार तेरी लाइफ में जैसे मुझे आके कहते हैं बहुत सारे लोग हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारी लाइफ का मतलब क्या रह जाएगा। What will be value of my life? मेरे दोस्त पी रहे होंगे उनको देख के मैं थोड़ा भी नहीं पी पाऊंगा। So, क्या हो रहा है हमारी डिजीज बार बार हमें क्या कह रही है बॉस अभी नहीं हुआ अभी तो मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी तो हम कर ही सकते हैं जी होली दिवाली टाइप। सो लेट मी ऑल्सो एंजॉय सर रेगुलरली नहीं करूंगा वंस इन ए वाइल करूंगा बट वो वंस इन ए वाइल व्हेन कन्वर्ट इनटू ए रेगुलर फिनोमेना। सो टिपिकली इन दिस डिजीज वी कैन कंट्रोल ओनली द फर्स्ट तो कहते हैं फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। क्या कहते हैं तो आपने अगर बीमारी आपको क्या सिखा रही है कि अभी तो यार कोई बात नहीं थोड़ा बहुत कर लोगे तो और क्या हो जाएगा एक ही करेंगे ठीक। जैसे कल मेरे पास एक पेशेंट आया परसों कहता है कि मैं लंदन घूमने जा रहा हूं वहां पे सर एक आध बियर तो पी लो ना। ये टिपिकली आप लोग कहोगे कि यार देखो हम वैसे नहीं करना चाहते हैं मगर कभी कभार तो एक आध पीने की परमिशन दे दो ना। एक आध पी लिया तो क्या हो जाएगा। सो बट फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज बार बार। अब देखो कैसे हो रहा है ये आपकी बीमारी की बॉटल बार बार आपको कहा जा रहा है कि भैया बहुत हो गया इससे ज्यादा और बर्दाश्त के लायक नहीं है यू हैड टू मच प्लीज सब डर जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी अब देयर इज टू मच बट आपकी बीमारी बार बार कह रही है अभी क्या हुआ है यार तू यंग है जवान है पूरे जीवन भर तू ऐसा करेगा क्या लाइफ रह जाएगी तेरी सब मजे करेंगे। बार बार हम कहेंगे सब मजे करेंगे जी मैं क्या करूंगा वहां बैठ के मैं घंटा बजे